वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माय फर्स्ट पेट। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने एक सीरीज शुरू की थी पेट शॉप्स के बारे में। वाराणसी में जो भी पेट शॉप्स हैं, मैं उन तक आपको पहुंचाऊंगा, उनकी पहुंच आप तक करूंगा, जिससे कि अगर आप वाराणसी या आसपास के क्षेत्र में हैं और आपको कोई पपी, कोई बर्ड, कुछ भी चाहिए हो तो आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसी सिलसिले में मैं आया हुआ हूँ। जहाँ तक मैं समझता हूँ, हर एक पेट लवर सौरभ डॉग कैनल को जरूर जानता होगा। अगर उसके हाथ में मल्टीमीडिया मोबाइल है और यूट्यूब वो चलाता है तो वो जरूर सौरभ डॉग कैनल को जानता होगा। और अच्छे से इनके जो प्रोप्राइटर हैं उनका नाम भी लोगों को पता होगा। नाम कहूँ तो एक छोटा शब्द होगा, नाम नहीं, वो एक ऐसी शख्सियत है, वो अब एक ब्रांड बन चुके हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए मिलते हैं सौरभ सर से। सबसे पहले आप एंट्री करते हैं रिसेप्शन पे, आप मैम मिलेंगी, मैम से पूछ लेते हैं सर कहाँ है, मैम का नाम। हेलो मैम। सर आपका नाम क्या है? सर अनन्या। रिसेप्शन पे आपको अनन्या जी मिलेंगे और आप इनसे भी अगर कोई प्रोडक्ट लेना है तो डायरेक्टली बात कर सकते हैं। अगर आपको सर से मिलना है तो सर से भी मिल सकते हैं। सर कहाँ मिलेंगे मैम? सर केबिन में। सर का केबिन किधर है? इधर सर का केबिन है, सर से मिलते हैं। आइए। ये सर का केबिन है और सर से हम मिल सकते हैं। ये हैं सामने सर। हेलो सर। हेलो। हाय सर, का नाम पूछ लेते हैं सबसे पहले। सौरभ वर्मा। सर का नाम तो नहीं पूछना चाहिए, हर एक डॉग लवर तो अच्छे से जानते होंगे। अगर आपके हाथ में मोबाइल है, यूट्यूब है तो आप अच्छे से जानते होंगे। अगर आपके पास मोबाइल नहीं है, यूट्यूब नहीं है, अगर आप पेट लवर हैं वाराणसी आसपास के क्षेत्र में तो ज़रूर जानते होंगे। इनका नाम पूछना भी एक छोटा चीज़ होगा, ये तो नाम नहीं एक ब्रांड बन चुके हैं ना। तो आइए थोड़ा सा बात करते हैं सर से, इनके ब्रांचेस और हेड ऑफिस के बारे में पूछ लेते हैं, बाकी की डिटेल पूछते रहेंगे। तो सर अपना नाम और अपना परिचय, जरूरत तो नहीं है फिर भी आप बता दीजिए। सबसे पहले बहुत शुक्रिया भाई सौरभ के लिए, और सौरभ के बारे में दो लाइन कहना चाहूँगा कि हम लोग बैचमेट्स हैं। जिन व्यूवर्स को नहीं पता, मैं आपको बता दूँ कि सनातन धम्म इंटर कॉलेज में हम लोग लगभग 6 साल तक, क्लास 6 से 12 तक साथ में हमारी स्टडी हुई है। नमस्कार दोस्तों, मेरा पूरा परिचय सौरभ वर्मा है और मैं एनिमल बिहेवियरिस्ट हूँ, और इंडिया में फिलहाल एक ही एनिमल बिहेवियरिस्ट है जिसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड ने नवाजा है। और बहुत ज़्यादा परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, छोटा सा हमारा भी एक चैनल है सौरभ डॉग कैनल के नाम से, पीछे आप देख पा रहे होंगे। और मैं विगत 18 वर्ष का जब था तब से हम मैं डॉग रख रहा हूँ। अभी मेरी आयु 30 वर्ष है तो 12 सालों का कड़ा अनुभव है, और पिछले 8 सालों से इस इंडस्ट्री को लीड कर रहा हूँ। और हमारा ब्रीडिंग फार्म है रॉटवाइलर, शिजु, चुवावा, पग, पोमेरियन, लैब्राडोर जैसे तमाम ब्रीड्स में हम ब्रीड्स करते हैं। और पिछले 2 सालों से जो इम्पोर्टेड ब्रीड्स हैं, अलास्कन मैलाम्यूट, साइबेरियन हस्की, डॉगो अर्जेंटिनो, केन कोर्सो, तोसा इनो दैट इज़ जापनीज मैस्टिफ, फ्रेंच मैस्टिफ, नियोपोलियन मैस्टिफ जैसे तमाम ब्रीड्स पे भी हम काम कर रहे हैं। शुरुआत हुई थी एक छोटे से पेट शॉप के ओनर के तौर पर, या एक ब्रोकर या ट्रेडर के तौर पर, जो आम भाषा में लोग कहते आए थे, पहले कहते थे अब नहीं कहते, ज़बानें बदल गई हैं। तो अगर आप में से कोई भी शख्स वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, मऊ, देवरिया, आजमगढ़, गौरी बाज़ार, गोरखपुर, दोहरी घाट, बढ़लगंज, सैदपुर, देवकली, किसी भी क्षेत्र का हो, यहाँ तक कि अगर आप बाहर से हमारे वीडियोस देख रहे हैं, कलकत्ता, महाराष्ट्र, उज्जैन, उड़ीसा, उत्तराखंड, भारत के किसी कोने से, तो ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी हमारे ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी मिल जाएगी। एंड राइट नाउ वी हैव 31 एक्टिव फ्रेंचाइजीज इन ऑल ओवर इंडिया। 31 एक्टिव फ्रेंचाइजी है वाराणसी शहर को छोड़कर, वाराणसी की ब्रांचेज को काउंट कर लें तो 33। वाराणसी में एक लक्सा पे हमारा आउटलेट है, एक संकट मोचन पे। अभी एक्टिव ब्रांचेज जो हैं, जो दो चार जो हमें याद है वो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। पटना में मीठापुर में हमारा ब्रांच है, लखनऊ में गोमती नगर में है, इलाहाबाद में नैनी पुल के नीचे है, और हर जगह सौरभ डॉग कैनल के ही नाम से है। महाराष्ट्र में नासिक और नवी मुंबई, इन दो जगहों पे हमारे ब्रांचेस अभी एक्टिवली कार्यरत हैं। अगले महीने से वसई में हमारा एक ब्रांच खुल रहा है। तो आप इस देश के किसी भी कोने में हो, आपको इसकी दिक्कत नहीं आएगी कि आपके पास
डॉग का कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सामान कैसे पहुंचेगा। एंड फॉर मी, मैं अपने बारे में आपको बता दूं, अगर आपका डॉग आप 8 साल 6 साल से रखें और किसी एक समस्या से परेशान, उसके किसी बिहेवियर के तौर पे, या तो वो बहुत अग्रेसिव है, या बहुत ज़्यादा शर्मीला है, या बहुत किसी को देख के सुसु कर देता है खुश होके, या फिर सुसु पॉटी ट्रेंड नहीं हो पाया है, या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसको कोई वेटनेरियन सॉल्व नहीं कर पा रहा, तो शायद आपके एक कॉल से उस डॉग की पूरी लाइफ में वो चेंजेस आ सकते हैं, वो सुधार आ सकते हैं। तो उसके लिए हम बहुत ज़्यादा प्रयासरत हैं कि आप सबकी अलग 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 तरह की समस्याओं को दूर किया जाए। मैं और मेरी टीम यानी 6 वेटनेरियंस, 4 पैरावेट्स और 3 मेडिकल वेट असिस्टेंट के साथ मैं इस सौरभ पेट स्मार्ट और सौरभ डॉग कैनल को रन कर रहा हूँ, जिसमें तमाम ब्रीडर्स भी हमारे साथ हैं। बस फिलहाल मेरा छोटा सा परिचय इतना काफ़ी है। तो मैं बैठा हुआ हूँ लंका, यहाँ पे ये अपनी तरह का ही एक मार्ट है जो कि वाराणसी में शायद आपको नहीं मिलेगा, और शायद क्या नहीं मिलेगा, ये अपनी तरह का एक लौता मार्ट है। ये लक्सा संकट मोचन के पास है, और संकट मोचन तो वाराणसी के हैं तो आप जानते ही होंगे, अगर बाहर के लिए तो जानते ही होंगे, बाबा की नगरी है तो मंदिरों का तो बोलबाला रहता है यहाँ पे। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी आपको कोई भी ब्रीड चाहिए वो सारी ब्रीड यहाँ मिलेगी, एडल्ट और पपी दोनों मिलेगी। जो भी आपको चाहिए, मेल फीमेल, अगर आपको कोई ट्रीटमेंट कराना है 24 घंटे 24 आवर आपको सुविधा मिलेगी। नंबर अवेलेबल रहेगा, कभी भी आप कॉल करिए, नंबर पिक होगा, डिटेल आपको दिया जाएगा कि क्या परेशानी आ रही है, कैसे उसको दूर किया जा सकता है, ज़रूरत पड़ी तो वो आकर के भी देख लेंगे। और मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि आपने शुरुआत कैसे की थी, कहाँ से शुरुआत की थी और अब कहाँ तक आप पहुँचे हैं, कुछ जो व्यूअर हमारे जानना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है ये। शुरुआत के तौर पर बहुत बचपन से शौक रहा था कि मेरे पास भी मेरा अपना एक डॉग हो। एंड एज यू ऑल नो कि मैं जर्मन शेफर्ड लवर रहा हूँ बचपन से, बट घर वाले कभी भी सपोर्टिव नहीं थे कि घर में कोई डॉग है। तो लक्सा क्षेत्र में जो हमारा पुश्तैनी मकान हुआ करता था, जहाँ हम लोग रहते थे, और उम्र मेरी रही होगी लगभग आई थिंक 16 साल की उम्र थी, तो हमारी गली में एक फीमेल बिच हुआ करती थी, एक डॉग हुआ करती थी, उसका नाम था मोती। तो एक बार की बात है, दिसंबर का महीना था और मोती ने बच्चे दिए, और इत्तेफाक से उन बच्चों में एक ऐसा बच्चा था जो पूरा वाइट था, एकदम सफ़ेद पोमरेनियन की तरह, और मैं उसको उठाकर अपने घर लेकर आया, और घर में सबसे ये झूठ बोल दिया कि ये लैब्राडोर है और इसको हम 2000 का खरीद के लाएं। अब पैसे से आया डॉग तो घर में भगाए तो जाएगा नहीं, रखना ही पड़ेगा। तो अब मम्मी पापा का ये था कि नहीं, या तो ये डॉग घर में रहेगा या तुम घर में रहोगे, एक साथ दो कुत्ते नहीं रहेंगे, एक ही कुत्ता बर्दाश्त होगा, 4 पैर वाला रख ले या 2 पैर वाला। तो दिसंबर के महीने में रात भर उसको गोद में लेकर मैं बैठा रहा, पहला दिन निकल गया। दूसरे दिन जब पिताजी आए तो वो मेरे गोद से उधर के फुर गया उनके पास, पिताजी ने मारा किक, एक लात खींच के वो 5-6 कलैया खा के पै 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 करके हुए मेरे पास, अब मैंने गोद में उठाया, अरे मेरा बच्चा। दूसरा दिन भी मैंने दिसंबर की महीने की ठंड में ज़मीन पर बैठ के बिताया, क्योंकि मेरा घर बड़ा पूजा पाठ वाला और बड़े मान मान्यताओं वाला है, मतलब अगर चप्पल के नीचे पैर भी पड़ जाए तो जाके नहा के आओ, ऐसे परिवार से बिलोंग करता हूँ, ब्राह्मण न होते हुए भी पूरा ब्राह्मण खानदान है, ठीक है, और कुत्ते को छू देना मतलब अपवित्र हो गए। तो ये हिस्ट्री है दोस्तों, अगर आपके मम्मी पापा आपके किसी डॉग के लिए मना कर रहे हो और आप हार मान जा रहे हैं तो मत मानिए, ये हिस्ट्री बता रहा हूँ मैं अपने 12 साल 14 साल पहले की कहानी। तीसरा दिन हुआ, तीसरी बार फिर वो पापा के पास गया 12 बजे रात में, पापा फिर एक लात मारे, मैंने फिर उठाया, अरे मेरा बच्चा। चौथा दिन हुआ, चौथे बार पापा ने एक लात मारा, फिर मैंने उठाया, अरे मेरा बच्चा। पांचवा दिन हुआ, और पांचवें दिन में 11 बजे सो गया था ऐसे बैठे बैठे उसी आंगन में, क्योंकि दिन भर मुझे घर आने को नहीं मिलता था, प्रवेश वर्जित था, तुम अपवित्र हो गए। पांचवा दिन हुआ, वो अचानक मेरे गोद से ऐसे कूदा, क्योंकि वो किसी भी नए व्यक्ति को देखकर, यूजुअली पिल्ले जो होते हैं, स्ट्रीट डॉग्स होते हैं या कोई भी पपी फ्रेंडली होते हैं, वो किसी के पास जाना चाहते हैं। तो वो फिर से गया और हमारी नींद खुली, हम ले आज ये फिर लात खाएगा। लेकिन वो पांचवा दिन था दोस्तों, जो कि बहुत इमोशनल है। उस पांचवें दिन पापा ने अपनी जेब से 2 रुपये वाला पार्ले जी निकाला, हथेली में चूर चूर किया, उसको खिलाया और कहा चलो सालो, तुम भी नहाओ, इसको भी नहलाओ, बिस्तर में आओ। तो ये है मेरी शुरुआत एक स्ट्रीट डॉग के साथ। और अभी आप किस मुकाम पे हैं तो ये सभी जानते होंगे, अच्छे अच्छे नीचे से लेकर ऊपर तक सभी लोग जानते होंगे। और सर, मैंने एंट्री जब किया तो मैंने देखा कि बाहर बोर्ड पे लिखा हुआ था कुछ, जैसे रोड पे कोई
काऊ है, डॉग्स हैं, उनकी सेवा के लिए भी आपको कोई कैंपेनिंग चलता है, होता है, बिल्कुल उसके बिल्कुल। बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें तो। मेरा ऐसा मानना है कि अगर इस पृथ्वी पर आप पैदा हुए हैं मानव के रूप में, तो आपको अपनी मानवता कभी नहीं छोड़नी चाहिए। तो क्योंकि मेरी शुरुआत सड़क के कुत्तों से हुई थी, और सड़क के जानवरों की जहाँ तक बात है, तो आप पूरे देशवासियों से मेरा अनुरोध है कि लगभग लगभग 6 राज्यों में हम लोग काम कर रहे हैं, और 6 राज्यों में हमारे 31 एक्टिव शॉप्स हैं, 31 एक्टिव क्लिनिक्स हैं, जहाँ आपको वेटनेरियन भी मिलेंगे, डॉक्टर्स भी मिलेंगे, पेट शॉप ओनर तो रहेगा ही रहेगा जो हमारा मैनेजर होगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आप सड़क के कुत्तों, देशी गाय, भैंस, सुअर, गधा, परिंदे, अभी खिचड़ी आएगी तो परिंदे कट कट के आएंगे, तो ढेर सारे कबूतर हमारे पास इलाज के लिए आते हैं, बाज आते हैं, कौवे आते हैं, लोग कई बार मोर वगैरह आ जाते हैं। तो ट्रीटमेंट के लिए मैं पैसे नहीं लेता, अगर वो आपका निजी नहीं है तो। अगर आप सेवा कर रहे हैं स्ट्रीट डॉग्स का, स्ट्रेस का, सो यू आर मोस्ट वेलकम, आपको अपनी पॉकेट से लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर वाले ने इतना बड़ा पॉकेट रखा है कि मैं इन स्ट्रेस की सेवा कर पाऊँ, और आप सबको जान के बहुत खुशी होगी कि लगभग इसी वाराणसी में हर रोज़ 3 जगहों पे मिलाकर हम 58 से 60 स्ट्रीट डॉग्स को फीड करा रहे हैं पर डे। अलग अलग क्षेत्रों में जाके ये लोग फीड करा रहे हैं, खासतौर पे जाड़ों में, और गर्मियों में तो ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जर्मन शेफर्ड, लेब्राडोर के लिए करने वाले लोग बहुत हैं, रॉटवीलर के लिए करने वाले लोग बहुत हैं, स्ट्रीट डॉग के लिए बहुत कम ही लोग मिलते हैं जो ऐसी प्रकार की सेवा देते हैं जी। इसलिए एक्चुअली ये डॉग ही नहीं, कोई भी हो, कुत्ता, बिल्ली, गधा, आपको कबूतर, पक्षी में कोई भी, गाय, सभी का इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। जैसे कि सर ने बताया कि अगर वो स्ट्रीट का है तो, अगर आपका निजी है तो उसके लिए आपको टेक केयर करना ही होगा। आप नहीं ला पा रहे हैं, आपके पास 200 रुपया नहीं है ऑटो के फेयर के लिए, फोन कीजिए, वीडियो कॉल पे डॉग दिखाइए, आपके ऑटो का 200 रुपया भी मैं पेटीएम कर दूंगा आपको, वो पैसा भी हम ही दे देंगे। तो मेरे जहां तक रीच है, हम एक अकेले पूरे देश में तो नहीं पहुंच सकते, कम से कम वाराणसी संभाल सकते हैं, मेरे जैसे कम से कम 10-12 लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो ये सेवा के कार्य कर रहे हैं, जो जुड़े हुए हैं मेरे साथ। आपका ये जो मार्ट है लंका पे है फिलहाल, तो लंका पे अभी मैं आया हूँ, तो मैंने देखा कि बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, तो क्या क्या प्रोडक्ट हैं जो अगर कोई व्यूवर्स है जो यहाँ आना चाहता है या कॉल करके मंगाना चाहता है तो क्या उसको डिलीवरी भी मिल जाएगी? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ ऑल ओवर वाराणसी में फ्री होम डिलीवरी की फैसिलिटी अवेलेबल है। सारे कंपनी के डॉग फूड्स हैं, रॉयल कैनिन, ड्रूल्स, पेडिग्री, मीटअप, आर्डन ग्रेंज, एनएनडी, फर्मिना, वाइकीबिल, टेस्ट ऑफ द वाइल्ड, हील्स, और क्या है हमारे पास, हिमालया, फोकस, केनाइन क्रीक, प्योरपेट, कैट फूड, विस्कास, मियो, ड्रूल्स का कैट फूड, एक्स वाई जेड, जितना ब्रांड आप जानते हैं ए टू जेड हमारे यहाँ मिलता है। मेडिसिन में हमारे यहाँ हिमालया, इंटास, मैनकाइंड, मेडियोलॉजी, बायर, और तमाम ब्रांड्स के मेडिसिन आपको मिल जाते हैं, और हमारे यहाँ एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम है। अगर आप अपने डॉग को डॉक्टर के पास नहीं ला सकते तो हमारा डॉक्टर आपके घर जाके चेकअप कर लेगा, और साथ साथ में दवाइयाँ भी लेकर के जाएगा, ताकि आपको हाथों हाथ दवा दे दे और इलाज कर दे। ट्रीट्स हमारे यहाँ बहुत तरह तरह के मिल जाते हैं, और दिस इज़ माई ओपन चैलेंज कि हमसे सस्ता इस वाराणसी में कोई नहीं दे सकता, चाहे ड्रूल्स हो, चाहे रॉयल कैनिन, चाहे पेडिग्री हो, चाहे एक्स वाई जेड, कोई भी। और जो लोग इस वीडियो को देखकर आएंगे, क्योंकि भाई के चैनल से आएंगे और भाई एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलना चाहिए, एग्जैक्टली तो डेफिनेटली आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा हमारे थ्रू, क्योंकि आप इस चैनल से आ रहे हैं। और सर का भी एक चैनल, यूट्यूब का चैनल है, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जी, 2018 में हमने एक छोटा सा यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया है, और जो अब छोटा नहीं, बहुत सारे परिवारों तक फैल चुका है, फैमिली जुड़ चुकी है, 378,000 सब्सक्राइबर्स हैं, और उससे कहीं ज़्यादा व्यूवर्स हैं चैनल पे। 2-3 महीनों से मैं थोड़ा सा एक्टिव नहीं हूँ, क्योंकि चुनाव का वक्त है, थोड़ा सा प्रेशर है, तो उधर फोकस नहीं हो पा रहा है, बट बहुत जल्दी जनवरी या फरवरी के बाद से हम वापस से एक्टिव हो जाएंगे। सौरभ डॉग कैनल के नाम से चैनल है हमारा, इस पे हफ्ते के 7 दिन हम 7 प्रकार से चैनल को रन कर रहे होते हैं। मंडे ट्यूजडे आपको जो भी पपीज लेने होते हैं, शिज़ू, चिवावा, पग, पोमेरियन, डॉबरमैन, अलास्कन मैलामूट, साइबेरियन हस्की, जैपनीज मैस्टिफ, नेपोलियन मैस्टिफ, तिब्बतियन मैस्टिफ, तोसा इनू, एक्स वाई जेड, इनसे रिलेटेड जो पपीज हमारे पास सेल के लिए होते हैं, हम वो पपीज आपको शो करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं। वेडनेसडे और थर्सडे हमारा ट्रीटमेंट का पार्ट होता है। अगर आपके डॉग या कैट के आंखों में कोई प्रॉब्लम है, आई इन्फेक्शन है, ईयर इन्फेक्शन है, स्किन इन्फेक्शन है, डर्मेटाइटिस है, डिमोटिकोसिस है, पार्वो से हील हो रहा है, अंडर पार्वो है, लैक्टिक बिच है, बच्चे देने वाली है, प्रेग्नेंट है,
मेटिंग कैसे कराएं, मेटिंग करते हैं तो बच्चा नहीं होता, क्या मेरे डॉग का स्पर्म गड़बड़ है या टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है या बीच में कोई गड़बड़ी है, इस तरह की तमाम चीज़ों पे हम चर्चा कर रहे होते हैं वेडनेसडे और थर्सडे को। फ्राइडे और सैटरडे हमारा सवाल सैटरडे, सवाल शुक्रवार और सवाल शनिवार होता है। मैं लाइव शो करता हूँ और लाइव लाखों लोग जुड़ते हैं और आप सब केपेबल होते हैं लाइव शो में आकर मुझसे सवालात करने के लिए और अपने प्रॉब्लम्स जो आपके साथ आपके जानवरों के साथ जुड़े हुए हैं उनसे रिलेटेड करने के लिए। संडे को कुछ भी होता है, जो मेरा मन कर देता है चैनल पे वो डल जाता है, वो मेरे जीवन के व्यक्तिगत हिस्से का एक भाग होता है। इस चैनल पे आप आइए, आपको बहुत मज़ा आएगा, नॉट इवन फॉर डॉग्स, अगर आप अपने लाइफ में थोड़ी बहुत तब्दीलियाँ चाहते हैं तब आ जाइए। और जैसा मैं देख पा रहा हूँ पीछे काफ़ी सारे सर्टिफिकेट्स लगे हुए हैं, तो इनके बारे में अगर कुछ आप बताना चाहें तो। बिल्कुल, ये जो सर्टिफिकेट आप देख रहे हैं ये है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट, जिसके जो सचिव हैं वो डॉक्टर ओपी चौधरी जी हैं जो कि आईपीएस भी हैं। तो एनिमल वेलफेयर से मैं जुड़े होने के कारण जितनी चीज़ें जितनी गतिविधियां अवैध रूप से वाराणसी में हो रही हैं, अगर किसी ने केजिंग करके पपीज़ रखे हुए हैं, कोई डॉग है जिसको अबेंडन कर दिया गया है या फैमिली बरामदे में रख रही है और वो सालों से 4x4 के बरामदे में बंद है, वहीं सुसु कर रहा है, वहीं पॉटी कर रहा है, और पेटा से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। आप सर्टिफिकेट देख रहे हैं वो YouTube का सर्टिफिकेट है। जब भी आपके 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाते हैं तो YouTube एक शाबाशी के तौर पे एक लेटर भेजता है आप, तो उनका एक वेलकम लेटर आया है मेरे पास। दूसरा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर रहता हूँ इंस्पिरेशनल लोगों से जिन्होंने अपने करियर को अपने अस्तित्व को फर्श से उठाकर अर्श तक पहुँचाया है, तो नन अदर देन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेरे पीछे हैं। दूसरा है एस्ट्रो स्पेस रिसर्च क्यूब, हम स्पेस रिसर्च का काम कर रहे हैं, हमारी अपनी बॉटनी है बाबतपुर में एस्ट्रो स्पेस रिसर्च क्यूब, इसके प्रेसिडेंट मेरा छोटा भाई है सातवें, और इसमें एज अ मोटिवेशनल स्पीकर मैं काम कर रहा हूँ, ऐसी बोस कोचिंग में मैं एज अ मोटिवेशनल स्पीकर काम कर रहा हूँ, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में मैं एंटरप्रेन्योरशिप की फैकल्टी के तौर पर पढ़ा रहा हूँ। ये जज्बा बताने की ज़रूरत नहीं, आप सबके प्यार और आशीर्वाद से सौरभ डॉग कैनल ने अच्छी रेटिंग्स में 4.8 रेटिंग, 5 रेटिंग में से 4.8 पाई हुई है। YouTube का सिल्वर प्ले बटन है और बहुत सारे सर्टिफिकेट्स यहाँ पे अभी नहीं लग पाए हैं, वो आगे आने वाले समय में ज़रूर आप लोग देख पाएंगे। तो आप सिर्फ डॉग्स सेल करते हैं या फिर उसको परचेज भी कर लेते हैं, डॉग कैट वगैरह क्या क्या आप डील करते हैं, सिर्फ डॉग में ही या फिर और भी कोई ऐसे बर्ड है? और जितनी चीज़ें लीगल हैं सौरभ और जितनी चीज़ें बैन नहीं हैं इंडिया में, जैसे बहुत सारे लोग खरीद बिक्री करते हैं तोते का, पैरट्स का, टर्टल्स का, और जैसे इंडियन रूफ टर्टल बैन, तो बहुत सारी जगहों पे इंडियन रूफ टर्टल बड़े खुलेआम बिक रहा है, तो बहुत सारी जगह तोता गौरैया बिक रही हैं जो कि ये संरक्षित प्राणियों के रूप में, क्योंकि हमारे यहाँ संरक्षण, क्योंकि जब मैं एनिमल वेलफेयर से हूँ तो मुझे मेरी सारी चीज़ों का ज्ञान है कि किस चीज़ को कैसे हैंडल किया जाता है। तो जितने इंडियन बर्ड्स हैं वो संरक्षित बर्ड्स के अंदर आते हैं, चाहे इंडियन रिंगनेक पैरेट हो गया, चाहे गौरैया हो गई, चाहे लालमुनिया हो गई, ठीक है। सेल परचेज की बात करें तो वो बर्ड जिनको हम केज में रखकर सेल परचेज कर सकते हैं या उनको एक अच्छा एटमॉस्फेयर या लाइफ दे सकते हैं, हम बजरीज हमारे यहाँ मिल जाएगी आपको, कॉकटेल मिल जाएगा, ऑस्ट्रेलियन लवबर्ड मिल जाएंगे, लुटिनो बर्ड्स मिल जाएंगे, और आपको काकातुआ मिल जाएगा, मकाओ मिल जाएगा, इस तरीके के तमाम बर्ड्स जो कि लीगल हैं सेल परचेज करना, उसमें हम डील करते हैं। और कैट्स में हमारे पास पर्शियन किटन, बंगाल किटन, ब्रिटिश शॉर्ट हेयर कैट, मैनाकून, कैनामून जैसे तमाम तरीके की बिल्ली और बिल्ली के बच्चे मिल जाते हैं, मेटिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है, उनके वैक्सीनेशन की फैसिलिटी अवेलेबल है, तो अगर आप चाहें तो डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लगभग सारी चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ पर, आपको डॉग्स, कैट्स और बर्ड भी मिल जाएंगे, और आपको अगर कोई ट्रीटमेंट कराना है तो वो भी यहीं से हो जाएगा। अगर आ नहीं सकते हैं तो कॉल करिए, सर घर पे पहुँच जाएंगे या इनके कोई साथ के डॉक्टर पहुँच जाएंगे, उनसे आप ट्रीटमेंट करा सकते हैं। जैसा कि आपने देखा ये सारे सर्टिफिकेट लगे हुए हैं और किस किस लेवल के हैं, और सर भी काफ़ी बड़े संस्था से जुड़े हुए हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस वीडियो में शायद मैं पूरी जानकारी नहीं दे पाऊँ। सारा तो बात हो चुका है लगभग, वो सारी बातें एक तरफ, और एक मैं देखता हूँ कुछ लोग हैं जो आपके हेटर्स हैं, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हेटर्स के लिए बहुत प्यारा सा एक छोटा सा मैसेज है, बहुत लंबा तो नहीं बोलना चाहूँगा,
कि मेरे दादाजी हमेशा कहा करते थे कि बचवा चिंता मत कर, हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। इसका मतलब, इसका तात्पर्य ये है कि जब आप अपने जीवन में सही मार्ग पर होंगे, जब आपकी गति अच्छी गतिशीलता को पकड़ी होगी, तब लोग बोलेंगे कुछ, तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और अगर आपके लिए लोग कह नहीं रहे हैं, अगर आपके लिए लोग बातें नहीं कर रहे हैं, तो समझ जाइएगा राह सही नहीं है। चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे मीडिया हो, चाहे व्यापार हो, चाहे प्यार हो, चाहे परिवार हो, चाहे आपका बहुत ही दिल का करीबी कोई दिलदार हो, अगर आपके बारे में बोल नहीं रहा है, तो आप समझ जाइएगा कुछ गड़बड़ है भाई, दया कुछ तो गड़बड़ है ना। अगर तो, आपके बारे में अगर कोई बुराई नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब या तो आप बहुत छोटे टारगेट पे काम कर रहे हैं, या तो फिर आप एक गलत रास्ते पे, जहां पर लोग और सपोर्ट करते हैं, यार गलत कर रहा है। बिल्कुल। और ये जो मार्ट है आपका, इस मार्ट के बारे में कुछ खासियत जो आप बताना चाहें। जी बिल्कुल, इट्स अ वन रूफ सोल्यूशन गाइज। वन रूफ सोल्यूशन मीन्स एक छत के नीचे हम आपको वेटनेरियन दे रहे हैं, एक छत के नीचे डॉक्टर है, एक ही छत के नीचे आपका ब्लड टेस्ट हो रहा है, एक छत के नीचे आपको सारे ब्रांड्स के सारे सामान मिल रहे हैं, डॉग फूड मिल रहा है, एक छत के नीचे आपको डॉग फूड के साथ साथ डॉग्स के सारे मेडिसिन मिल जाते हैं, वैक्सीनेशन हो जाता है, उसके कपड़े मिल जाते हैं, एसेसरीज मिल जाते हैं, कैट्स का सारा सामान मिल जाता है, ग्रूमिंग पार्लर है हमारा। अगर आप अपने डॉग्स को, अपने कैट्स को नहलाना धुलाना, सजाना संवारना चाहते हैं, आपके पास फुर्सत नहीं कि आप अपने डॉग्स की हेयर कटिंग कर पाएँ, बिल्लियों की हेयर कटिंग कर पाएँ, नेल क्लिपिंग, नहलाना, माउथ क्लीनिंग, एनल क्लीनिंग, ईयर क्लिनजिंग, तमाम तरीके की ग्रूमिंग वाली चीज़ें, यानी कि सलून वाली चीज़ें भी हमारे यहाँ हो जाया करती है। और बहुत सारे सेटिस्फाइड क्लाइंट्स हैं हमारे, आप हमारे फीडबैक वीडियोस पे जाएंगे तो बहुत सारे रियल फीडबैक्स आपको हमारे यहाँ से मिल जाएंगे। तो बीइंग अ पेट ओनर, जब मैंने पेट लिया था तो मुझे वैक्सीनेशन कराने किसी डॉक्टर के पास जाना होता था, जब मैं बहुत छोटा था, 17 साल 18 साल का था, सामान लेने, डॉग फूड लेने किसी और जगह जाना पड़ता था, मेडिसिन लेने किसी और जगह जाना पड़ता था। तो मैंने एक ऐसा सिस्टम रेडी कर दिया है कि आपको एक ही जगह पे हर चीज़ मिल जाएगी, एक ही जगह पे सारा सोल्यूशन मिल जाएगा, एक्स वाई जेड। एंड वी आर गोइंग टू ओपन पेट्स कैफे, हम एक बहुत धासू सा रेस्टोरेंट खोलने जा रहे हैं बहुत जल्दी, पेट्स कैफे। अपने पेट्स के साथ आइए, नूडल्स खाइए, कॉफ़ी पीजिए, चाय पीजिए, मैगी खाइए, आप खुद एंजॉय कीजिए, आपके पेट्स भी एंजॉय करें। अग्रेसिव है तो सोशलाइज करते हैं, हमारे डॉग से अपने डॉग्स को मिलाइए, अपने डॉग्स को औरों के डॉग से मिलाइए, एक अच्छा ग्रुप बनाइए। आपके डॉग का बर्थडे सेलिब्रेट करना है, कैमरामैन, टेबल मैनेजर, डेकोरेशन वाला, सब कुछ हम अरेंज करेंगे, आप बस दीजिए कॉन्ट्रैक्ट। मेरे डॉग का नाम ये, केक बनाने से लेकर उसके कपड़ों तक, विल मैनेज ईच एंड एवरीथिंग फॉर यू। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जस्ट गिव अस 24 to 48 आवर्स एंड विल मैनेज ईच एंड एवरीथिंग। यानी सर, देखिए सर तो डॉक्टर भी हैं और एक पेट ओनर तो है ही सर, डॉक्टर हैं, एक ट्रेनर है, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, साथ में इनकी कोचिंग, मल्टी टैलेंटेड है कुल मिलाकर के। ठीक है, तो ये लंका पे है, लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में आपको शेयर कर दूंगा, जिससे आप गूगल मैप पे टच करते ही पहुंच जाएंगे कि क्या लोकेशन है। और आप डिटेल में बता दीजिए कि शॉप का नाम जी, और ये लोकेशन प्रॉपर तरीके से। वर्तमान में दो रनिंग आउटलेट हैं वाराणसी में, पहला आप ये देख रहे हैं लंका चौराहे से पहले संकट मोचन मंदिर है, संकट मोचन मंदिर का एकदम जो गेट है, मंदिर के जस्ट बगल में संकट मोचन पुलिस चौकी है, वहीं से आप नज़र उठा के देखेंगे साकेत नगर की ओर सौरभ पेट स्मार्ट है, संकट मोचन मंदिर पर ही सौरभ पेट स्मार्ट है, पहला ये। दूसरी आउटलेट हमारी लक्सा पर है, लक्सा पे, ठीक लक्सा तिराहे पे, लक्सा थाने के पहले, और अगर कौड़िया हॉस्पिटल की तरफ से या रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल की तरफ से आ रहे हैं तो 10 कदम आगे सौरभ डॉग कैनल के नाम से, ये दो एक्टिव आउटलेट्स हमारे रन कर रहे हैं। आप आइए, एक्सपीरियंस कीजिए हमारे वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स का, एक्सपीरियंस कीजिए हमारे पैरावेट्स को, एक्सपीरियंस कीजिए हमारे सेल्समैन को, और एक्सपीरियंस कीजिए हमारी सर्विसेज को। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो फिलहाल वाराणसी में दो ही आउटलेट हैं, और सर ने बताया कि अलग अलग राज्य में भी और भी इनके आउटलेट हैं और आगे भी होते ही रहेंगे। और सर अगर आप अपना मोबाइल नंबर बता दें जिससे लोग कांटेक्ट कर सकें आप। जी बिल्कुल, हम अपने यहाँ के आपको सारे एक्टिव फोन नंबर्स बताना चाहेंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल भी जाएगा। तो हमारा जो पहला नंबर है वो है 7275863266, 7275863266। हमारा दूसरा एक्टिव नंबर है 9140752208।
9140752208, जो नोट ना कर पा रहे हो वीडियो को पीछे भगा के दोबारा सुन लीजिएगा, 9369347740, 9369347740। हमारा चौथा नंबर है 7905203357, उससे ज़्यादा हम बोलना नहीं चाहेंगे। आपको हमारी वेबसाइट पे 68 के 68 नंबर दिख जाएंगे। फिलहाल आप इन 3-4 नंबरों से काम चलाइए, इन चारों नंबरों पे काम हो जाएगा। इन केस ये चारों नंबर वेटिंग पे वेटिंग जा रहे हैं तो आप 5वें 6वें 7वें नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये सर की वेबसाइट का नाम क्या है सर? www.saurabhdogkennel.in पे आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे saurabh_dog_kennel हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब का चैनल हमने बता दिया आपको। फेसबुक पे हमें मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक पे हमारे 5 अकाउंट चल रहे हैं, सौरभ डॉग कैनल, सौरभ पेट वर्ल्ड, सौरभ डॉग हाउस, सौरभ वर्ल्ड ऑफ डॉग, सौरभ डॉग्स की दुनिया। इन 5 अकाउंट्स को हमारी टीम हैंडल कर रही है। किसी न किसी पे डेफिनेटली आपको जवाब मिल जाएगा। तो ये सारी डिटेल भी जितना भी पॉसिबल हुआ मैं डिस्क्रिप्शन में इन सभी के लिंक भी दे दूंगा ताकि आपको कहीं ढूंढना ना पड़े, तो आप लिंक पे क्लिक करिए और पहुंच जाइए। ठीक है, तो अच्छा लगा सर से बात करके। मिलते हैं फिर किसी अगले ऐसे ही वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सर के भी चैनल का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर भी जा करके सारी वीडियो समझ सकते हैं, देख सकते हैं। मैटिंग के ऊपर है, अगर कोई प्रॉब्लम है उसके ऊपर है, कोई डॉग सेल या परचेस करना है वो भी सारी चीज़ें आपको डिटेल मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में जितना भी पॉसिबल हुआ मैं वो डिटेल दे दूंगा। तो धन्यवाद सौरभ सर, बहुत शुक्रिया, मिलके बहुत अच्छा लगा मुझे। मिलते हैं ऐसे किसी अगले नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ आप बोलना चाहें तो अगर यूथ मेरी बात सुन रहा है और युवा पीढ़ी अगर हमारी बात सुन रही है तो आप सबके लिए एक मैसेज है कि अगर आप किसी भी कार्य में अभी तक सफल नहीं हो पाए हैं तो आप बिल्कुल भी हार मत मानिए, आप अपना कार्य करते जाइए। क्योंकि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी उसी में। एक आग लगी थी 18 साल के बच्चे के अंदर आज से 12 साल पहले, मुझे बताने की जरूरत नहीं है मैं कौन हूँ और कहाँ पे हूँ। तो वो आग लगाइए। अगर आप जूता भी सिल रहे हैं ना तो दी बेस्ट जूता सिलिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी भी आके जूता सिलाएं, मैं भी आपके आके जूता सिलाऊं, अमिताभ बच्चन साहब भी सिलवाएं। अगर आप बाल काट रहे हैं तो इतने अच्छे हेयर ड्रेसर बन जाइए कि लोग तरसे आपके यहाँ बाल कटवाने के लिए। टीचर हो तो ऐसा हो कि पागल हो जाए, खान सर जैसा टीचर हो। तो चीज़ें करिए सबसे हटकर, और ना समझ में आए तो हमारा चैनल देख लीजिए सबसे पटकर। आपका सौरभ आपके साथ, जय हिंद जय भारत, थैंक यू।